आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। कैबिनेट बैठक में राज्य में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाने का निर्णय लिया गया है और इस योजना से बता दें आपको कि 1,84,142 परिवार जो है वो फायदेमंद होंगे। सरकार पर प्रतिवर्ष 55 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अंत्योदय योजना के तहत बता दें कि सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अंत्योदय योजना के तहत कई परिवारों को लाभान्वित किया गया है। सरकार पर प्रतिवर्ष 55 करोड़ का भार पड़ेगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। हरीश, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है और मुहर लगाई गई है, क्या कुछ और जानकारी सामने निकल कर आ रही है? बिल्कुल, आज कैबिनेट की बैठक थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल थे। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने ब्रीफिंग करके बताया कि आज लगभग 7 जो बिंदु हैं उन पर फैसला हुआ है। खासतौर पर बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जो 1,84,142 जो परिवार हैं उनको आज लाभान्वित करने की यहाँ पे सरकार की तरफ से कोशिश की गई। जो अंत्योदय के परिवार हैं उनको, जो राशन धारक हैं अंत्योदय के, उनको 3 सिलेंडर मुफ्त में देने की बात की गई है। इसके साथ ही लगभग 55 लाख रुपए का जो अधिभार है वो सरकार के ऊपर पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम योजनाओं को लेकर के भी आज कैबिनेट में बैठक में, जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें चर्चा की गई है। माफ कीजिएगा, जिस तरह से जो 55 करोड़ रुपए का जो अधिभार है वो राज्य सरकार को इसमें पे करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ हम बात करें तो निर्माण में चल रहा है, केदारनाथ में जो निर्माण है वहाँ पर भी जो भवन निर्माण को लेकर के भी जो अब जो वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, जो तीर्थ हैं, उनके आवास बनाने की योजना जो वहाँ पे चल रही है उसको लेकर के भी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि जो उसमें अन्य भी जो काम बचे हुए हैं वो भी जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आज 7 बिंदुओं पर आज महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही जो गन्ना किसान हैं उनको भी उनके साथ ही, और गेहूं का मूल्य भी बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई है। जी हरीश, देखिए हम अक्सर देखते हैं कि सरकार तमाम तरह की योजनाएं लाती हैं, लोगों को जिससे लाभ हो ऐसी योजनाएं वो लेकर आती हैं, लेकिन धरातल पर वो चीज़ें सामने निकल कर नहीं आती। ऐसे में सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो इसको धरातल पर लाने के लिए, सीधे लोगों तक इसका फायदा पहुँचाने के लिए किस तरह से सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी, आगे किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा? बिल्कुल, ऐसे जिस तरह से जो अंत्योदय के परिवार हैं, जो कार्ड धारक हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने इस तरह की कदम उठाए हैं और आज कैबिनेट में इससे मंजूरी मिली है, मोहर लगी है। इसके साथ ही जो जो अंत्योदय के व्यक्ति हैं उनको 3 सिलेंडर किस तरह से पहुंचाया जाए, इसके लिए भी सरकार के जो मुखिया हैं उन्होंने कहा कि उनके लिए बजट पर्याप्त है और जो बजट होने के साथ साथ जो उत्तराखंड के जो 1,84,000 से ज़्यादा जो परिवार हैं उनको इसका लाभ पहुंचाया जाएगा और उन तक ये योजना पहुंचाई जाएगी। वहीं अगर हम बात करें किसानों के हित में तो वहाँ 20 रुपये प्रति क्विंटल की बात हुई, किसानों को लाभ देने की बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई और किस तरह से जो योजनाएं हैं उनको धरातल उतारने के लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से जो लोग हैं उनको सरकार की जो लाभान्वित योजना है उन तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर के भी एक एजेंडा बनाया जाए ताकि जो सरकार की जो विकास योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए वो समय पर पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सीधे तौर पर खास कहना यह है कि अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति और अंतिम गांव तक विकास की जो लोग है वो पहुंचनी चाहिए, इसी कड़ी में वो लगातार कार्य कर रहे हैं और कई विभागों की समीक्षा भी की जा रही है। लेकिन हम बात करें आज की कैबिनेट में तो लगभग 7 बिंदुओं पर आज फैसला हुआ है, उसके साथ ही उनको धरातल तो उतारना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन जो अंत्योदय के परिवार है कहीं ना कहीं उनको राहत भरी
खबर है। हरीश, क्या क्या धामी सरकार की तरफ से किसी मंत्री को ये जिम्मेदारी दी गई है इन योजनाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए? बिल्कुल, तो देखिए अगर बात करें तो लगातार मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम आज की अगर बात करें तो आज के जो तमाम जो फैसले लिए गए हैं उन पर भी अमल लेने की बात की गई है। मुख्य सचिव एसएस संधू की तरफ से त्वरित तरीके से कार्यवाही करते हुए जो जिलाधिकारी हैं उनको चिन्हित करने की बात की गई है, ऐसे परिवारों को जिनको इसका लाभ पहुंचाया जाए। लेकिन वहीं अगर बात करें तो बजट की भी बात पूरी बजट भी इसमें पूरे प्राप्त मरत्र में रखा गया है ताकि सरकार के पास किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर हम बात करें जिम्मेदारी की तो अधिकारियों को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अभी जो मंत्री, जैसे आपने कहा कि किस मंत्री को उसने कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार सरकार की जो लाभान्वित योजना है वो लोगों तक पहुँच सके इसके लिए मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी हरीश, इस तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon, never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।